हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं क्रैब मीट करी। तो क्रैब करी बनाने के लिए मैं कुछ लाइव क्रैब्स लिया हूँ, देखिए अभी भी चल रहा है। अब हम इसको पहले क्या करेंगे, एक गर्म पानी लेंगे और मैं कुछ नमक लिया हुआ हूँ उसमें हम इसको डुबा देंगे। तो सारे क्रैब्स को मैं गर्म पानी के अंदर डाल देता हूँ। एक बार क्रैब का कलर, मतलब डार्क कलर से ऑरेंज कलर हो जाने के बाद हम लोगों का ये कंप्लीटली कुक हो गया होगा, उसके बाद हम इसको निकालेंगे। और मसाले के लिए मैं कुछ लिया हूँ प्याज, अदरक, लहसुन, और उसको मैं ग्राइंड कर लूँगा। उसके साथ मैं कुछ जीरा भी ऐड कर दूँगा। अभी हमारा प्रॉन पक गया है, इसको अभी कढ़ाई से निकाल लेते हैं एक एक करके। अभी हम क्रैब को क्या करेंगे, जरा सा हल्का सा इसको ये सब जो क्लॉज है तोड़ देंगे ताकि हमारा मसाला सब क्रैब के अंदर अच्छे से जाए। और ये जो पीछे वाला पीस है इसको निकालना है, इसको ऐसे निकालना है, और ये जो ऊपर का सेल है उसको भी निकाल देना है। तो आइए एक बार मैं क्लीन करके आपको दिखाता हूँ। तो हम लोग क्रैब को इसी टाइप का डिसेक्शन करके क्लीन करना पड़ेगा, और ये सब चीज़ हम लोग खाने का नहीं है। तो जैसे कि इसके ऊपर का सेल, अंदर में ये जो चीज़ है ये क्रैब्स का रिब्स रहता है, तो इसको भी नहीं खाना है। तो हम लोग को बस इसी चीज़ को करी बनाना है। तो आइए देखते हैं करी कैसे बनाते हैं। तो अभी हमारा मसाला बन गया है, तो अब हम क्या करते हैं, हम इसमें क्रैब्स को ऐड कर लेते हैं। मैंने क्रैब्स को ऐड कर लिया और इसमें ज़रा सा पानी दे के और 5 से 10 मिनट इसको पकाते हैं। अभी हम इसमें पानी डाल देते हैं। और हमने कुछ आलू भी पकाए हुए थे तो उसको भी इसके साथ डाल देते हैं। अभी ये कुछ 5 से 10 मिनट पकने के बाद हमारा करी रेडी हो जाएगा। तो एक बार पानी कंप्लीटली ड्राई होना चाहिए, उसके बाद फिर से हम लोग इसमें पानी डालेंगे। अभी हम कम पानी डाले हुए हैं ताकि मसाला सब क्रैब्स के अंदर अच्छे से सिमट जाए। अभी हमारा क्रैब करी भी रेडी है। लास्ट में हम लोग धनिया पत्ता ज़रा सा डाल देते हैं और स्टोव को ऑफ कर देते हैं।